Hello guys, I am Pragati. I hope you all are doing well. And today's video is gonna be about radiation therapy. So without any further ado, let's get started. Definition. The definition of radiation therapy is, radiation therapy is a controlled use of high energy ionizing radiation to destroy malignant tumor cells without harming surrounding tissue. रेडिएशन थेरेपी में हम हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ करते हैं जो टू डिस्ट्रॉय जो हमारी मैलिग्नेंट जो हमारी कैंसर ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको किल करने के लिए. और हमारा मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारी सराउंडिंग टिश्यूज़ और नॉर्मल सेल्स हैं वो इससे हार्म ना हो. जो बेसिकली जो हमारी कैंसर सेल्स हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा मोटिव उन्हीं को किल करने का होता है रेडिएशन थेरेपी में. रेडिएशन थेरेपी को हम रेडियोथेरेपी, एक्सरे थेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट, कोबाल्ट थेरेपी, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी भी बोलते हैं. इन रेडिएशन थेरेपी देयर इज़ यूज़ ऑफ, हम रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी पेनिट्रेटिंग वेव्स का यूज़ करते हैं. एक्सरे, गामा रेज, प्रोटोन रेज और न्यूट्रॉन रेज का हम इसमें यूज़ करते हैं. जो ये रेज होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं कैंसर सेल्स को और स्टॉप करती हैं उनको फर्दर रिप्रोड्यूसिंग और मल्टीप्लिकेशन से. मतलब कि जो उनका डिवीज़न है उसको ये स्टॉप कर देती है. टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी, डैट इज़ एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी एंड इंटरनल रेडिएशन थेरेपी. तो जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है, जैसे कि आपको समझ ही आ रहा है, एक्सटर्नल मीन्स इट वॉज एक्सटर्नल, ये आउटसाइड है बॉडी से, और इंटरनल इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है उसको हम टेली थेरेपी भी बोलते हैं. ये मोस्ट कॉमन काइंड है रेडिएशन थेरेपी का. और इसमें जो एक्चुअल रेडिएशन सोर्स है वो एक्सटर्नल होती है टू द क्लाइंट. इन दिस अ बीम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टेड एट द कैंसर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. इसमें जो रेडिएशन की जो बीम होती है वो आउटसाइड सोर्स से, हम मतलब कि बाहर से पेशेंट के ऊपर, जो कैंसर पेशेंट है जिसको कैंसर है उसके ऊपर डालते हैं. टेलीथेरेपी जो है वो अप्लाई होती है बाय हाई एनर्जी रेडियोग्राफ मशीन्स. इसमें हमें हाई एनर्जी रेडियोग्राफ मशीन्स की नीड होती है कंटेनिंग रेडियो आइसोटॉप्स. और इसका एग्जांपल है जैसे कि कोबाल्ट 60. द सेकंड टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी इज़ इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम ब्रैकीथेरेपी भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकीथेरेपी और इम्प्लांट थेरेपी. इट इंक्लूड्स प्लेसिंग स्पेशली प्रिपेयर्ड रेडियो आइसोटॉप्स डायरेक्टली इनटू और नियर द ट्यूमर इट्सेल्फ और इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन. इंटरनल रेडिएशन थेरेपी यानी कि ब्रैकीथेरेपी में हम स्पेशली प्रिपेयर्ड रेडियो आइसोटॉप्स को डायरेक्टली जो हमारे ट्यूमर सेल्स से वहाँ पर इम्प्लांट करते हैं. सोर्सेज इंक्लूड अनसील्ड रेडिएशन सोर्स एंड सील्ड रेडिएशन सोर्स. अनसील्ड रेडिएशन सोर्स, इट इज़ एडमिनिस्टर वायर द ओरल और आईवी रूट. जो अनसील्ड रेडिएशन सोर्स है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है ओरल या फिर आईवी रूट के थ्रू. जो सील रेडिएशन सोर्स है उसको इम्प्लांट किया जाता है विद इन द ट्यूमर टारगेट टिश्यू एंड द क्लाइंट इमिट्स रेडिएशन विल द इम्प्लांट इज इन प्लेस. जो सील रेडिएशन सोर्स है, मतलब कि इसमें जो हमारा इम्प्लांटेशन है वो टारगेट टिश्यू पे होता है, ट्यूमर टारगेट टिश्यू. और जो क्लाइंट होता है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, तो जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है, इमिट्स करता है रेडिएशन. और वो इमिट्स कब तक करता है, जब तक कि जो इम्प्लांट है, जो आइसोटोप है, जो पेशेंट की बॉडी के अंदर है, वो जब तक हैवी मतलब कि हैवी रेडिएशंस को इमिट्स करता रहेगा. जो रेडिएशन थेरेपी है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, जैसे कि ये मोस्टली अफेक्ट करता है स्किन को, ओरल कैविटी को, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को. इससे एलोपेशिया होने की चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं, स्टोमेटाइटिस, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वोमिटिंग और बोन मैरो डिप्रेशन जैसी चीज़ें, मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स इसमें हमको देखने के लिए मिलते हैं रेडिएशन थेरेपी में. Thank you to all.